दोस्तों, सिलाई मशीन रिपेयर के इस चैनल में, जो हमारा सेल्फ रिपेयर चैनल है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम जो सिलाई का प्रॉब्लम आता है, ऊपर का सिलाई और नीचे का सिलाई, कपड़े के नीचे और ऊपर में दोनों साइड रहता है, जो नीचे का सिलाई ख़राब आने वाला है, आता है हमेशा हमें प्रॉब्लम में, तो उसी के बारे में आज हम लोग कैसे रिपेयर किया जाएगा ये बताने वाले हैं। तो देखो, पहले हम लोग ये देखेंगे कि नीचे जो बॉबिन किस रहती है, उसमें धागा कौन सा है। अगर हम दो धागा, एक कलर लाल लिया है और एक नीला कलर लिया है, ये इसलिए लिया है कि हमें ये देखना है कि कौन सा सिलाई ख़राब आ रहा है। दो धागा, ये दो अलग कलर का रहने से हम लोग को पता चलेगा कि इसमें सिलाई कौन सा ख़राब आता है। अभी हमेशा की तरह हम लोग एक बॉबिन केस की जगह रखेंगे और ये स्लाइडिंग पट्टी बंद करके नीचे का धागा निकालेंगे। अभी हम मशीन शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा सिलाई ख़राब आ रहा है। देखो, हमेशा की तरह देखो, ये हमने बाहर निकाला। अभी हमें देखना है कि कौन सा सिलाई ख़राब है। ये तो ऊपर का सिलाई है, जो हमने ऊपर का धागा लाल कलर का लगाया है। अभी इसका सिलाई देखो, सही आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम नीचे देखेंगे तो ये देखो, ये पूरा सिलाई ख़राब है। अभी ऐसे में हम लोग कुछ अर्जेंट काम करना है तो कैसे करेंगे। बहुत मुश्किल होता है जब दोस्तों, ये आसान प्रॉब्लम है फिर भी मालूम नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अर्जेंट समय में कोई मैकेनिक नहीं मिलता है। तो हम लोग ये सोच के आपका ये प्रॉब्लम एकदम इजी तरह सॉल्व करने के लिए तैयार है। देखो, ये रहने दो आपका सिलाई का कपड़ा एक बाजू में। अभी हम ये धागा निकाल देंगे और देखेंगे प्रॉब्लम। आपको ये मालूम हो गया कि नीचे वाले इसमें प्रॉब्लम है। हमेशा एक बात रखो या ध्यान में रखो, ये नीचे प्रॉब्लम है, इसका मतलब धागा जो ऊपर से आ रहा है वहाँ इस वही से कहाँ तो प्रॉब्लम है। अभी हम देखेंगे बराबर देखने के लिए, ये हम लोग ये प्लेट को पहले निकाल देंगे। ये प्लेट निकालना एकदम ईजी है, आपको मालूम है, पहले भी हमने बताया, सिर्फ ये स्क्रू को लूज़ करना है, बस इसे पूरी तरह निकालने का भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसे स्लाइड करके निकाल देंगे। अभी देखो, ये जो है ये पार्ट टेंसिल कहलाता है। ये दो थाली रहती है, इसमें एक स्प्रिंग रहती है, इसके नीचे एक थाली है और एक स्क्रू है। अभी देखो कि इसका जो टेंशन है, इसमें या तो प्रॉब्लम है या तो इसके अंदर कुछ कचरा है। अभी इसके हम इतने नीचे रख के इसे खोलेंगे। ये खोलने के लिए कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये स्क्रू को लूज़ करना है। ध्यान रहे कि कभी ये स्प्रिंग अपने ऊपर आ सकती है, क्योंकि अगर इसमें टेंशन ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है ये तुरंत निकल पड़ती है। तो इसके लिए इसे दबा के रखा है मैं और ये स्क्रू धीरे धीरे लूज़ कर रहा हूँ। अब ये स्क्रू बाहर आ हो गया, ये स्क्रू संभाल के रखना है। बाद में इसका ये स्प्रिंग निकाल के रखा है और जो ये थालियाँ है, दो थालियाँ, ये एक है, ये एक है। अभी देखो दोस्तों, प्रॉब्लम किधर है। ये जो देख रहे हैं आप, ये कहीं धागा इसमें फंस गया है, जो हम लोग का या तो धागा है या तो कपड़ा, किसा कपड़े का कोई हिस्सा इसमें है, तो इसे निकाल दो। देखो, ये धागे का एक हिस्सा है, हमने इसे छोड़ दिया। अभी ये भी प्लेट निकालो, क्योंकि हमने इसे तो खोला तो है, तो इसे साफ भी करेंगे। और ये रॉड है, इसे हम ब्रश से साफ करके, अभी ब्रश से साफ करने के बाद जैसे कि हमने निकाला है उसी की तरह, मतलब पहला ये प्लेट आएगा, बाद में ये प्लेट, इसे हम जैसे इसे डाला है पहले वाले को, इसके बराबर हम उल्टा डालेंगे, तो दिखने में आपको ये वी शेप दिखेगा। देखो, ये वी शेप दिख रहा है, ऐसा शेप होना चाहिए।
इसके बाद ये दूसरा छोटा थाली है। ये थाली डालने के समय ध्यान रहे कि ऊपर आया हुआ हिस्सा आगे की तरफ रहना है। ये ऐसे उल्टा नहीं डालना है, इसे ये गलत है। इसके लिए ये ऐसे डालना है। अभी हो गया। अभी दूसरा बात है ये स्प्रिंग जो है इसका क्या होता है, कभी कभी टेंशन कम हो जाता है, कुछ लोग इसे चेंज कर देते हैं, मगर इसे तुरंत चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका टेंशन हम एकदम ईजी तरह से बढ़ाने वाले हैं। देखो ये धागा हमने इधर निकाला, ये स्प्रिंग इधर रख दिया। अभी इसे खाली आप खींचो तो इसका टेंशन बढ़ गया। देखो हो गया। अभी ये अपने आप इसका टेंशन ज़्यादा मिलेगा, जो कि सिलाई के धागे के ऊपर दबाव रखे। अभी इसे हमने ये देखो, ये जो बीच वाला हिस्सा दिखता है तार का, इसी स्प्रिंग का ये ऐसा डालना है। इसे कभी भी ऐसा उल्टा नहीं डालना है, इसे ऐसा डाल के बाद में इसे स्क्रू लगाना है। स्क्रू लगाने के लिए थोड़ा सा स्प्रिंग को दबा के रखो और धीरे धीरे इसको स्क्रू से लगा दो। बस इसे एक अंदाज से कुछ भी आप टाइट कर सकते हैं पहले, क्योंकि आपको इसके ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है इसे अभी आपको मालूम नहीं है। इसके लिए इसे अंदाज से टाइट करो। ये हो गया आपका फिटिंग, जो हमने टेंशिल का प्लेट और स्प्रिंग निकाला उसका ये फिटिंग हो गया। अभी ये इधर लगा दो जिस जहाँ उसकी जगह है, बस एक स्क्रू टाइट कर दो। बॉबिन केस तो हमने निकाला ही नहीं है, जैसे है वैसे ही है, फिर भी एक बार चेक करो उसमें धागा बराबर है तो इसे डाल दो और ऊपर का धागा लगा दो। हमेशा की तरह पहले यहाँ, बाद में टेंशिल में। यहाँ आप ध्यान रखो कि जो टेंशन आ रहा है इसे खींचना है आपको, ये खींच के पता चलना है आपको कि कितना टेंशन होना है। ये देखो ये थोड़ा सा हार्ड आ रहा है तो यही सही है। इसके लिए आप यहाँ थोड़ा काटो, यहाँ से इधर डाल दो, ये प्लेट बंद करके यहाँ हो गया। अभी हम इसे सुई में डालेंगे। अभी हमने अपना सिलाई चेक करने के लिए सुई में धागा डाल दिया है। अभी धागा डालने के बाद नीचे का धागा लाने के लिए हम एक व्हील राउंड घुमा देंगे और इसका धागा निकाल देंगे। अभी हमें चेक करना है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग दोबारा सिलाई चेक करेंगे। देखो हम लोग का जो पहले प्रॉब्लम था ये सिलाई का, अभी नीचे का सिलाई देखो बराबर है। अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छा चाहते हो तो थोड़ा सा इसे टाइट कर दो बस, और दोबारा देखो। अभी हमने दोबारा धागा डाल दिया है और थोड़ा सा टेंशन बढ़ाने के बाद, टेंशन बढ़ाना मतलब ये स्क्रू को टाइट करना है बस। ये स्क्रू टाइट होने के बाद ये स्प्रिंग के ऊपर टेंशन आता है, ये प्लेट को ये आगे ढकल देता है, तो इसका धागे के ऊपर का टेंशन बढ़ जाता है। अभी हमने वही किया है थोड़ा और अच्छा सिलाई के लिए। अभी देखो और ये देखो हमारा सिलाई एकदम अच्छा आ गया है। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। देखो दोस्तों काम तो एकदम ये सिंपल था,
ये काम के लिए आप मैकेनिक के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए हमेशा की तरह जो हमारे चैनल का नाम है सेल्फ रिपेयर, आप खुद ये रिपेयर कर सकते हैं और ये देखने के बाद आपको थोड़ा सेटिस्फाई भी हो जाएगा क्योंकि आपने आपका खुद का मशीन रिपेयर किया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।